चंद्रिका, क्या ये सब? देव एक ड्राइवर की बेटी के साथ भाग गया? मुझे तो यकीन भी नहीं हो रहा। कविता, न्यूज वालों का तो काम है खबरें बनाना। तुम्हें हम पर भरोसा है ना? क्योंकि हमें हमारे देव पर पूरा भरोसा है। हाँ कविता जी, देव ऐसा कोई काम नहीं करेगा जिससे परिवार की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचे। मगर चंद्रिका, बिना आग के धुआं नहीं उठता। इतना उत्तेजित होने की जरूरत नहीं है कविता। दरअसल कल रात हमारे ड्राइवर हनुमंत की बेटी घर छोड़कर गई थी और देव उसे ही वापस लेने गया है। बोलिए बोलिए सर, ये लड़की कहाँ मिली आपको? आप लोगों ने कहाँ पे शादी की? मैडम, आपने इनको कैसे पटाया? आपकी पत्नी किसका होता है, कैसे मिले? आप लोग बताइए, जवाब दीजिए। कहाँ मिले पहली बार? लोग कह रहे हैं कि आपने पैसों की वजह से इनको फंसाया है। जवाब दीजिए, कहाँ मिले थे आप लोग? मैं उतर कर भीड़ हटाता हूँ छोटे हुकुम। नहीं काकू, यहाँ उतरना ठीक नहीं रहेगा, आप बैठे रहिए। प्लीज, क्या आपने शादी कर लिया सर? सर आपने बताना पड़ेगा आपको सर, आप ऐसे नहीं जा सकते। किसका उसे है, कैसे मिले आप लोग बताइए, जवाब दीजिए। ये ड्राइवर की छुरी ने हमारे देव का कोट पहन रखा है के? ऊपर से इसकी रईसी तो देखो, मालिक नौकरानी के लिए खुद दरवाजा खोले है। हाय मारा राम जी, भाभी साने ये के दिन दिखा रहे हो आप? वसु, तुम ठीक हो? दीवान जी, आपको ड्राइवर की बेटी से कब प्यार हुआ? आपने भागकर शादी क्यों की? क्या चंद्रिका जी राजी हैं शादी के लिए? क्या ये लड़की आपके स्टेटस को मैच कर पाएगी? कहीं आपको इस बात का डर तो नहीं है कि आपकी माँ आपको प्रॉपर्टीज में दखल कर देंगी? थारे को मैंने कहा था ना कि इस घर की बहू बनना इतना आसान ना है, फिर भी तुमने सपने देखे। कोई बात नहीं, अब मैं तमाशा देखूंगी। देखिए आप लोगों को, क्या चौहान खानदान में शादी करने की प्लानिंग आपकी थी या इसमें आपके ड्राइवर पिता भी शामिल थे, बताइए? भोली से शक्ल और इतना शातिर दिमाग, पहली बार ये ख्याल आपके मन में कब आया? बस बहुत हो गया, नो मोर क्वेश्चंस। भाभी साहब, आपको कुछ दिखाना है। दीवान जी, आप ऐसे नहीं जा सकते, आपको जवाब देना पड़ेगा। आप मीडिया से नहीं बच सकते, आपको जवाब देना पड़ेगा। बचने की जरूरत उन्हें होती है जो गलत काम करते हैं। आपको जवाब चाहिए ना, हम देंगे आपको जवाब। तो चंद्रिका मैम बताइए, देवान जी इतना देर से चुप क्यों हैं? देवान सिंह चौहान के पास आपके सारे सवालों के जवाब है। वो चुप इसलिए है क्योंकि उसमें चौहान परिवार के संस्कार है। चुप इसलिए है क्योंकि उसे उसकी मासा चंद्रिका सिंह चौहान की कदर है। और देवान सिंह चौहान ने बिना अपनी मासा से पूछे ना कोई फैसला लिया है और ना ही कभी लेगा। आप सब यही जानना चाहते हैं ना कि कल रात देवांश कहाँ था? जी, हम आपको जवाब देंगे।
सावित्री, थैंक यू देवान सिंह जी, आपकी वजह से आज उदयपुर की कितनी ही मासूम लड़कियां अपने अपने घर लौटेंगी, और आप ही की वजह से इन लड़कियों के ट्रैफिकिंग करने वाली गैंग पकड़े गए। थैंक यू भाई जी, आपने आज हमें बचा लिया। आप नहीं आए होते तो शायद हम अपने माँ बाप को फिर से देख भी नहीं पाते। प्लीज, मैंने कुछ नहीं किया सर। इन लड़कियों को बचाने और इस गैंग को पकड़वाने का क्रेडिट वसु और उसकी बहादुरी को जाना चाहिए। देख लिया आप सबने, कल रात देवांश की वजह से न जाने कितनी लड़कियों को एक नई जिंदगी मिली है, और उनमें से एक हमारे ड्राइवर की बेटी भी थी। लेकिन आप लोग मुजरिमों से सवाल करने की बजाय हमारे बेटे को मुजरिम बना रहे हैं। हमारे बेटे के संस्कारों की प्रशंसा करने की बजाय हमारी परवरिश पर उंगली उठा रहे हैं। अपनी ब्रेकिंग न्यूज बनाने के लिए चौहान खानदान की प्रतिष्ठा पर कीचड़ उछाल रहे हैं। ध्यान रहे, आइंदा ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए।